क्या क्या जरूरत रहेगा बुलेन अलजेब्रा। हम बोले थे बुलेन अलजेब्रा में डिफिनेशन ना के बराबर ही समझ। सबसे पहला बुलेन अलजेब्रा में जो याद रखिएगा वो शुरुआत करिएगा जिसका नाम है ट्रूथ टेबल। क्या बोलिएगा? ट्रूथ टेबल। क्या बोलिएगा? ट्रूथ टेबल। किसी को याद है ट्रूथ टेबल क्या होता है? yes, sir. किसी भी वेरिएबल का पॉसिबिलिटी टर्म। किसी भी वेरिएबल का पॉसिबिलिटी मतलब होता है आने वाला संभावना। पॉसिबिलिटी मतलब वेरिएबल का आने वाला संभावना को ही यहाँ पे कहा गया है। कौन सा टेबल? सबसे पहला इस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन, किसी भी वेरिएबल का पॉसिबिलिटी निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। क्या बोलिए? 2 का पावर n। क्या बोलिएगा? 2 का पावर n। और 2 का पावर n समझ में आ रहा है? yes. n इज नंबर ऑफ वेरिएबल। n इज नंबर ऑफवेरिएबल। अदि बताइए, एक वेरिएबल रहा तो टोटल पॉसिबिलिटी 2, दो वेरिएबल तो 4, 3 वेरिएबल तो 8, 4 वेरिएबल तो 16। याद है सभी को? yes, sir. 2, 4, 8, 16। याद है? क्लियर रहेगा? yes, sir. उसके बाद आपको ट्रूथ टेबल के लिए 3 चीज ध्यान रखना। पहला कौन सा? दूसरा तीसरा? टोटल 3 को रूल याद रखिए, एंड का, और का, नॉट का। कौन कौन बोलिएगा? एंड का पहचान किससे? किससे? और का? और का? नॉट का? बार से। नॉट का पहचान किससे? बार के साथ एक और अक्षर लगा रहता है। आप लोग बहुत टेस्ट में देखे होंगे ऐसा भी दिया हुआ, एक्स पे बार के लिए कॉम्प्लीमेंट। ई जो बगल में चिन्ह दिए वो भी नॉट ही पढ़ाता। बहुत जगह बार देने में बड़ा दिक्कत होता है क्वेश्चन बनाने में, तो बहुत सारा आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट में इस बार के जगह ऐसा भी दिखेगा, इस तरह का लाइन। इसको भी समझिएगा, नॉट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बताइए, तीनों का रूल कुछ याद है? yes, sir. पहला रूल किसका? एंड का। एंड का कहना याद है? yes, sir. सब जगह, सब जगह, सब आंसर, सब वन, सब वन, सब वन। और का कहना? सब जीरो, सब जीरो, सब जीरो। यहाँ तक क्लियर? yes, और तीसरा क्या है? नॉट का जहाँ जीरो, जहाँ वन, वहाँ जीरो। 3 बार रूल याद रहेगा? yes, पहला एंड का, दूसरा और का, तीसरा एंड और तीसरा। एक क्वेश्चन 3 नंबर पहला, ड्रो ए ट्रूथ टेबल। ड्रो ए ट्रूथ टेबल। क्वेश्चन में देखे होंगे, टेस्ट में भी अभी तक बहुत बार दे चुके। एक क्वेश्चन है एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार, ऐसा दिया। आप हमको बताइए टोटल इसमें अक्षर के गो? 3 वेरिएबल का टोटल पॉसिबिलिटी। आंसर कैसे बनेगा कुछ याद है? yes, sir. तरीका, पहले एक बॉक्स तैयार किया, ऐसा बॉक्स बड़ा बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा, गलत नहीं करिएगा। स्केल का यूज कर सकते हैं लाइन को ड्रॉ करने के लिए। एक एक्स लिए, एक वाई लिए, और एक क्या लिए? yes. 3 वेरिएबल का पॉसिबिलिटी, 3 का पॉसिबिलिटी 8 गोरे। देखिए, आंसर सीट जब एग्जाम में आएगा ना, तो आपको हम बोले यही सब रहता है जो पेजेस बढ़ाता है। डिफिनेशन वाला हम कितना भी लिखेगा 4-5 लाइन से खत्म हो जाएगा सब डिफिनेशन। ई सब में नीट एंड क्लीन प्रॉपर, ई नहीं कॉपी में जब जगह कम रहता था देख के लाइन में दो दो खींच के बना देते थे, वैसा नहीं।
आराम से एक सिंगल पेज में फॉर्मेट में एक लाइन ऊपर एक लाइन पहले जगह छोड़ दीजिए, इधर से बनाइए आराम से, पूरा एक एक लाइन में बॉक्सेस रिप्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहला नंबर क्या लिखिए, जीरो 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 इतना याद है yes, ये सब तोड़ना सीख रहे yes, पहले क्या दिख रहा yes, फिर क्या दिख रहा है, कहाँ क्या दिख रहा है, इसका बहुत तरीका। पहले आप जो जो बार है उसी का निकाल लीजिए, इससे क्या होगा समझ में आ जाएगा, या फिर तोड़ तोड़ के जैसा सिखाए वैसे निकालिए। पहले इसका काम करना है तो इसके लिए जरूरत क्या है, किसका जरूरत, फिर उसके बाद बताइए किसका जरूरत, हम इसी का भी जरूरत बता रहे हैं, उधर नहीं जा रहे। और इसके बाद ये तीनों एक्स बार वाई तीनों निकल जाएगा, इसमें निकालना क्या है, क्या निकालना वाई वाई उसके बाद एक्स वाई और आखिरी वाला है एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई, ऐसा है। ये बड़ा बनाइएगा बॉक्सेस, पूरा लाइन तक खींच लीजिएगा। अब उसके बाद बताइए एक्स बार कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है, किसका उल्टा, किसका उल्टा, एक्स का पहला नंबर जीरो के लिए जीरो का जीरो 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 यहाँ तक क्लियर। अगला क्या निकालो, जेड बार किसका उल्टा, किसका उल्टा, जेड का पहला मान फिर उल्टा लिखना वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, ये हो गया। ये तीनों के बीच में क्या है, वाई तो है, बट तीनों के बीच में जो चीन है वो डॉट का, डॉट का कहना सब वन। अब ध्यान बस इतना रखना है एक्स बार जेड बार यहाँ दिख रहा है और एक क्या हो, एक क्या हो, इन तीनों में वाई एक्स बार और जेड बार में तीनों में कहीं एक के जगह वन मिलाइएगा, जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन 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 जीरो जगह वन दिखा, यही केवल क्या है, बाकी पूरा मिला लीजिए सब का सब क्या आएगा, जीरो सब का सब जीरो आएगा। अब किसका उल्टा, वाई का उल्टा क्या होगा, समझ में आ रहा है, वाई में पहला नंबर क्या है, जीरो जीरो क्या लिखे, याद है क्लियर। अब वाई बार और क्या लेना है, पहले इधर चार गो जीरो है तो ये चारों जीरो हो गया, चारों जीरो क्यों होगा समझ में आ गया, डॉट कहता है सब जगह वन होना चाहिए। अब एक्स और वाई बार यहाँ वन है, यहाँ भी वन, वन और वन, वन और वन, ये दोनों जगह का है, एक जगह जीरो हुआ मतलब उधर कुछ हो रहे जीरो ही होगा। अब ई भी निकल गया, ई भी निकल गया, ये दोनों के बीच में कौन चीज, प्लस क्या बोला, सब जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो 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 जीरो। इससे पिछला टेस्ट थर्ड टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, थर्ड टेस्ट सीरीज में के मैं आपका ट्रूथ टेबल दिए, सेम क्वेश्चन दिए, यही क्वेश्चन ट्रूथ टेबल में भी है, लेकिन बहुत कोई बनाया बहुत कोई नहीं बनाता। प्रॉब्लम ये है कि जब तक अपने से ही सब प्रयास नहीं करिएगा, इरट्टा मारने वाला दूसरा से छापने वाला नहीं है, इस सब में खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन रहा एक किसका, ट्रूथ टेबल। अभी लिखना नहीं है, जिसको दिक्कत लग रहा है फोटो ले लेगा आराम से इसको लिखने के लिए, बाद में समझने के लिए खुद बना देख लेगा, फिर मिला देगा कि जो बन रहा है वो सही है या गलत, ऐसा हो।
एक क्वेश्चन यहाँ से हो उसके बाद तो ग्रुप में तो पूरा फोटो खींच के भेज ही देते पीडीएफ बना करके, उसके बाद एक वर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आता है टोटोलॉजी। कौन वर्ड बोलिएगा? और एक वर्ड फैलेसी। टोटोलॉजी और कौन सा वर्ड है? फैलेसी। किसी को कुछ याद है दोनों वर्ड? टोटोलॉजी मतलब, टोटोलॉजी मतलब हमेशा वन हमेशा ट्रू, और फैलेसी मतलब हमेशा जीरो हमेशा फॉल्स। थर्ड टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है एमसीक्यू, ऑलवेज जीरो ऑलवेज वन। जब सब जीरो रहेगा तो उसका नाम क्या कहलाएगा? फैलेसी। क्या बोलिएगा? सब वन रहा तो टोटोलॉजी। फॉरवर्ड बोलिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम से कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिगर से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद एक वर्ड आता है राइट द ड्यूएल। राइट द ड्यूएल में एक क्वेश्चन दे देता है एक्स डॉट वाई बार प्लस जीरो। अब बहुत कोई का इसका आंसर लिखना याद कीजिए, पहला टेस्ट सीरीज, पहला टेस्ट सीरीज में दिए थे। जो आधा विद्यार्थी समझे नहीं आ रहा है ड्यूएल का, ड्यूएल याद है कुछ? ड्यूएल का सबसे सिंपल नियम, जहां जीरो देखिएगा वहां क्या लिखिएगा, जहां वन देखिएगा जहां डॉट देखिएगा और जहां प्लस देखिएगा, चार वो नियम लिखवाए। इस बार का आया हुआ एमसीक्यू क्वेश्चन, इस बार का एमसीक्यू क्वेश्चन जीरो का वन, वन का जीरो, डॉट का प्लस, प्लस का इस सब एग्जाम में कभी भी एमसीक्यू रिटर्न में आ जाता है, लेकिन बहुत बच्चा भुला जाता है, उतना याद नहीं रख पाता, इतना छोटा वर्ड है ड्यूएल। जहां जीरो वहां वन, जहां वन वहां जीरो, जहां डॉट वहां प्लस, जहां प्लस वहां डॉट। अब इसको लिखना क्या है? एक्स डॉट वाई बार प्लस जीरो। एक्स वाई अक्षर में कोई बदलाव नहीं, एक्स दिया है यहां भी क्या लिखा है? एक्स डॉट का, डॉट का वाई बार, वाई बार प्लस का, प्लस का जीरो का, जीरो का हो गया। इतने एक नंबर है, इतने ड्यूएल आप हर साल ड्यूएल एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जिक्र होता है या रिटेन में, तो ड्यूएल लिखने दे दिया, बस रूल याद रख लीजिए, चार को नियम है। वो अभी भी बता रहे यस सर हो जरूर हो रहा एग्जाम में, यही सर कहा था ड्यूएल सर, थोड़ा सा बता दीजिए सर, फाइनल एग्जाम में कोई बताने वाला थोड़ी रहेगा, एग्जाम में समझाने वाला रहे ना तो सब आदमी सब आंसर लिख दे, वहां समझाने वाला थोड़ी रहता है, वहां खुद से समझ के बनाना रहता है। तो ये सब चीज ऐसा है जो लोग भूल जाते, इसलिए याद रखे ड्यूएल। उसके बाद पढ़ाए थे लॉ एंड थ्योरम्स। लॉ एंड क्या पढ़ाए थे? जिससे एक एमसीक्यू क्वेश्चन फिक्स रहे, कन्फर्म। अभी तक चार गो टेस्ट दिए, चारों साल आपको एमसीक्यू मतलब चारों टेस्ट, हर साल का भी क्वेश्चन एक लॉ और थ्योरम से सेम रहता है, तो रहता है। कौन कौन थ्योरम ज्यादा रहता है? एक क्वेश्चन रहता है एक्स प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स, दूसरा क्वेश्चन रहता है x डॉट वाई प्लस जेड इक्वल एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तीसरा क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अभी तक चार टेस्ट दिए, जितना भी प्रीवियस ईयर से लेकर क्वेश्चन देखिएगा, जिससे मैं पढ़ा रहे थे उस समय भी बोले थे कि सबसे ज्यादा यही तीन गो से एमसीक्यू आता है, लेकिन अभी भी ये तीन गो थ्योरम याद नहीं।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स इस बार का टेस्ट सीरीज चौथा नंबर, जिसका नाम था कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? उससे पहले एक्स डॉट वाई प्लस जेड वन, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? उसके बाद है ए प्लस बी प्लस सी वन, जिसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? तीन को लोगे याद रखने, बाकी लिखवाए भले दस गो है लेकिन याद रखने, तीन ही बोले कॉम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव। अब तीन को तो माइंड में बिठा लीजिए, अभी तक चार टेस्ट सीरीज में जितना साल का क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बार एमसीक्यू में यही सब पूछा। इसके बाद आता है एक और सॉल्यूशन वाला एमसीक्यू क्वेश्चन, x पे डबल बार रहे तो ये कितना के बराबर हो? कितना के बराबर? x के बराबर बताए भी थे, ऐसा लॉ भी है इन्वोल्यूशन लॉ, x पे डबल बार इक्वल टू x, तो ये क्वेश्चन यहां से याद हो। इसके बाद आता है दो टर्म, एक मीन टर्म और एक मैच टर्म, बताइए कौन कौन टर्म बताए? मीन टर्म और सबसे पहले याद रखिए मीन टर्म काम करता है प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स, क्या बोलिएगा? और मैच टर्म काम करता है सम ऑफ लिटरल, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मैच मीन टर्म में वेरिएबल के बीच में डॉट, जहां जीरो वहां वन, डिनोटेड बाई अ स्मॉल एम। मैक्स टर्म में वेरिएबल के बीच में प्लस, जहां वन वहां वन, डिनोटेड बाई कैपिटल एम, यही दो गो नियम। अब इस दो नियम एक एमसीक्यू क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा हुआ है, ए बी बार सी डी, और यहां एक क्वेश्चन है ए बार प्लस बी प्लस सी बार डी, इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू बताना। पहले बताइए इसमें वैल्यू में बार किस पे लगता है? जीरो पे, और उसमें कैसे पता चलेगा इसके बीच में डॉट है और इसके बीच में क्या है? यही से आपको परखना पड़ेगा कौन मीन है और कौन मैक्स है। जहां बार लगा है वहां केवल क्या उतारी? बाकी जगह याद कीजिए ये बाइनरी नंबर। सॉल्व करने का ट्रिक समझाए थे, पहला नंबर वन, फिर तीन, तीन याद है, वन टू फोर, जिसपे जिसपे वन है उसको जोड़ दो, आठ और दो दस और एक, तो इसको डिनोट करेंगे एम ग्यारह। कैसे है एम ग्यारह याद है? यही चीज यहाँ इसमें जहां जहां बार है वहां वहां क्या उतारेंगे? वन जीरो वन जीरो, इसके भी नीचे वही नंबर, वन टू फोर आठ और दो, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल। एक क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन, बहुत कोई सब क्वेश्चन जानता ही नहीं, याद ही नहीं रख पाता, भुला जाता, वहां तुक्का मार के आ जाता, प्रॉब्लम ये सब क्वेश्चन आपका सबसे पहला कॉन्फिडेंस ये सब प्रैक्टिस करें। केम है पूरा मोले अलजेब्रा मोले डिफिनेशन नहीं रट्टा मारना, कम से कम जो फिक्स है उसको तो एक बार बनाइएगा, बिना बनाए हुए ये कभी आपको याद नहीं रहेगी, ये सब एक बार बनाना पड़ेगा। इसके बाद दो वर्ड बताए थे, एक एसओपी और एक वर्ड बताए थे पीओएस, एसओपी और पीओएस। एसओपी में पहचान सिग्मा का और पीओएस में फाई, एक में फंक्शन वैल्यू वन,
और एक में फंक्शन वैल्यू जीरो, एक में वन तो एक में जीरो, याद रहेगा yes, एक में फंक्शन वैल्यू वन होता है और एक में फंक्शन वैल्यू क्या होता है जीरो। इसके बाद अब आते हैं इसका मेन वाला फॉर्मूला, जो पांच नंबर का एक क्वेश्चन आता है केम, जिसका नाम है करनॉप, क्या बोलिएगा के मैप बनाने के लिए सभी कोई को पहले नंबर याद रखे, नंबर याद रखे सभी कोई yes, याद कीजिए के मैप जब भी आएगा कितना वेरिएबल का चार का टोटल पॉसिबिलिटी, चार का पॉसिबिलिटी, चार का पॉसिबिलिटी 16 गुना, 16 नंबर में सभी कोई को नंबर लिखना याद है yes, देखिए के मैप में बहुत कोई क्या करता है ना, जल्दी के चक्कर में गलतियां करता है। एग्जाम में के मैप जब आएगा तो सबसे पहला तुरंत वहीं पे मत बनाइए, वहीं पे रब तुरंत नंबर उम्बर नहीं लिख दीजिए, आप कोई भी कंप्यूटर में रब करते हैं आराम से कॉपी का पीछे से रब करिए, पीछे बहुत जगह खाली रहेगा, आप लाख कोशिश कर लीजिए वहां तक नहीं जा पाइए, पूरा का पूरा कितना भी प्रयास करिए पूरा पेज नहीं भर सकते, जो भी रफ है वो सब पीछे करिए। के मैप को सटीक बनाने के लिए इसको एक बार पहले रफ में बनाइए, कंप्यूटर में समय नहीं घटता है, कंप्यूटर में समय बच जाता है, 3 घंटा का समय में ना आप 2 और 2.5 घंटा में क्वेश्चन लिख के बैठल रहिएगा पूरा, और इंतजार करिएगा सर आप जाने दीजिए सर कब निकलिएगा, सब ये पूछते रहे सर दूर जाना है सर गाड़ी पर आए भाड़ा गाड़ी नहीं मिले, तरह तरह बात होते रहे, तो उससे अच्छा प्रॉपर नीट एंड क्लीन चीजों को ध्यान से बनाए, क्योंकि देखिए सेंटर में जब तक 5 नहीं बजेगा तब तक निकलने नहीं देता, आप कुछ भी कर लीजिए फिर भाई उतना पहले जल्दी इधर उधर लिख करके उससे फायदा क्या, उससे अच्छा बैठे रहिएगा, उससे अच्छा थोड़ा अच्छा से लिखिए, नीट एंड क्लीन बनाइए। बहुत कोई क्या करता है के मैप एक बार बनाया गलत हुआ तुरंत काट दिया फिर दोबारा चालू कर, वही काम पहले आप रफ में कर लीजिए ना, हो सकता है कभी नंबर लिखने में घेरा लगाने में कुछ गलतियां हो जाए, तो एक बार रफ में बना हुआ रहेगा ना उसको उतारने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, समय आपके पास बहुत मिलेगा। ये सब चीज आप जहां पे आंसर बनाते हैं वहां मत डिनोट करिए, इससे पता चलता है आप यहाँ ट्रिक लगा करके बना रहे, ये सब आपको नंबर उसको नहीं दिलाना है याद कि ऐसा ऐसा नंबर होता, आपको ये अपने समझने के लिए लिखना है। तो बताइए पहला नंबर क्या आता है, फिर अभी भी बहुत कोई को नंबर याद नहीं, वो ही नहीं रहा है बहुत कोई याद है, 0 1 3 2 अगला 4 5 7 6 नीचे 8 9 10 नेक्स्ट 13 14 ई, आप आसानी से रख कर लीजिएगा क्वेश्चन पे मतलब आंसर शीट का आखिरी में, के मैप बनाइएगा थोड़ा बड़ा बनाइएगा, के मैप छोटा सा जितना कॉपी में एडजस्ट करवा देते हैं उतना नहीं बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाइए नीट एंड क्लीन बनाइए। कैसे, के मैप का जब कोई क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन ऊपर दिया रहेगा ड्रो ए के मैप, ड्रो ए के मैप लिखा हुआ रहता है एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड सिग्मा का चिन्ह, नंबर दिया है 0 1 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 ये नंबर दिया। सभी कोई के मैप जब आंसर शीट में बनाइएगा एक लाइन के लिए एक बॉक्स के लिए 2 लाइन खींचिएगा, 2 लाइन समझ में आ रहा है, जो के मैप का डब्बा बनेगा वो दो दो बॉक्स का अंतर में बनेगा, 2 2 4 2 6 2 8 मतलब 8 लाइन में 4 को डब्बा तैयार करिए, पेज बचता है
कोई जरूरत नहीं है, आप साफ बने, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, पूरा बड़ा बड़ा फिगर बनाइए, समझ में आना चाहिए। ऊपर से सबसे पहले जब भी बनाइए, बहुत कोई क्या करता है, यहाँ आंसर लिख रहा है, यही बनाना चालू कर, ऊपर पता चल रहा लाइन लिखने की जगह नहीं, कम से कम 2-3 लाइन ऊपर से नीचे जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स में आप लोग स्केल का भी यूज कर सकते, 4x4 का फॉर्म बनाइए, 2-2 लाइन, इस एक लाइन के लिए 2 लाइन का अंतर रखिए, 2-2-2-2, इस तरह लगता है पेज भरा हुआ बड़ा का आंसर बना दिया, और वही चीज बहुत को एक के लाइन में 2 खींच देता, इतने दुए लाइन में पता दिया पार हो, समझ नहीं आता 5 नंबर कौन चिंग दे, कम से कम 5 बैठाने के लिए तो उतना लगा लेना चाहिए, सोचिए उसके लिए थोड़ा बड़े बनाइए, पन्ना आराम से रहता। सबसे पहले इधर WXY इधर याद है, ये के में बॉक्स बीच में बनाइए, इधर वाला जगह ये आप जो लाइन ऐसे टेबल खींचा रहता है बहुत क्या करता है, इधर सड़क बना देता है, WX इधर वाला जो लिखना रहता है, वो जो मार्जिन एरिया रहता है, उससे इधर लिखता है, भाई उधर पूरा जगह है, आराम से बीच में बनाइए बॉक्स को, चारों तरफ आसानी से लिखिए। सबसे पहले इधर लेना है W बार ऊपर से वाई, यहाँ तक क्लियर, ये जहां जहां नंबर दिख रहा है वहां क्या पुट कर, क्या पुट कर, सबसे पहला नंबर क्या है, 0 के जगह नंबर, प्रयास करिएगा ऊपर से और इधर से सटा हुआ नहीं रहना चाहिए क्योंकि घेरा भी लगाना रहा, तो नंबर बीच में या किनारे तरफ काम करने का प्रयास करिए, बीच में ही रखिए, ये नहीं कि बहुत कोई वन क्या करेगा इससे यहाँ खींचता है, अब घेरा लगेगा तो इससे लगाएगा, घेरा कहाँ दिख रहा है, लाइन खींच दे रहा, ऐसा मान लीजिए, तो ये सब चीज में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। एक फिर वन है, वन अगला क्या है, इसी के बगल कल का ये क्वेश्चन, कल कोई भी जो टेस्ट देने आए थे अगर कल बना रहे होंगे के मैप, ये अगर नंबर लिखा गया मतलब के मैप सही, अब इस नंबर को घेरा लगा, घेरा लगाने के लिए आप डबल पेन मतलब दूसरा पेन का भी यूज कर सकते, आंसर सीट में ज्यादातर 2 ही पेन यूज करिए, ब्लैक और ब्लू, जेल पेन थोड़ा कम इस्तेमाल करिए, जेल पेन ना के बराबर ही समझिए, बहुत कोई का ना आदत हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जेल पेन से एक तरफ कागज लिखने पे दूसरा तरफ छपना चालू हो जाता है, और जब दोनों तरफ आंसर लिखते हैं ना तो अच्छा पढ़ाता तक नहीं, पूरा किसी भी जाने टाइप का नजर आता, इसलिए थोड़ा ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए। बहुत कोई क्या करता है ना, आदतर बच्चे देखते होंगे सभी कोई नया पेन खरीद के रखता है, कहाँ खाता खोले एग्जाम, आप याद रखिए नया पेन भी ना एग्जाम में पहली बार लिखने से राइटिंग ना उतना अच्छा नहीं बनता, पहला फाइन उतना नहीं चलता, इसलिए भी सब चीजों का ध्यान रखिए। आप आंसर सीट बनाने के लिए जो भी पेन लीजिएगा पहले उससे एक आध पन्ना लिखा हुआ रहना चाहिए, ये नहीं कि नए जा रहे हैं उद्घाटन वही करें, उस सबसे क्या होता है ना, राइटिंग अच्छा बैठता है और थोड़ा पतला चलता है और हाथ में उतना पकड़ नहीं बना पाता, तो ये सब चीजों पे भी थोड़ा ध्यान रखिए, वो सब आंसर के लिए अब तरीका। अब समझिए सबसे पहले कितना घेरा लगा, 8 का घेरा लगा, कितना घेरा लगा, अब इधर भी 4 को बचिए, तो इधर भी 4 इधर भी 4 कितना, अगला जो घेरा लगाइएगा ना वो चाहे इस घेरा से थोड़ा छोटा लगाइए चाहे बड़ा लगाइए, छोटा बड़ा क्यों समझ में आ रहा है, वो पता चले अलग घेरा, तो इससे थोड़ा सा लाइन ऊपर खींच, यहां से एक ऊपर बना दिए,
और यहाँ से थोड़ा नीचे। इससे पता चल रहा है इसका अलग घेरा है और इसका अलग। बोल कोई कहा करेगा यहीं से खींच दे तो पता नहीं चलता घेरा कहां से ले रहा। बहुत कोई घेरा कैसे खींचता है देखिए कंप्यूटर में सबसे बड़ा घेरा बोले यहां से खींचना बहुत कोई यहीं से मिलाएगा यही घेरा से। कलमो एक यूज करेगा और घेरा इससे मिलाएगा ये घेरा से। अब बताइए तो उसको कौन घेरा नजर आ रहा बहुत कोई का आंसर शीट में ऐसा रहता है। ये सब अभी नहीं सुधारी है फिर कब सुधारेगी यही सब तो चीज बताना है। चीजों को समझिए कैसे घेरा लगाना है क्या लगाना है किस तरीका से बनाना है वो सब चीजों को याद रखने का प्रयास। इससे साफ साफ पता चल रहा है बाहर वाला घेरा अलग है अंदर वाला घेरा ये सब का नाम है ऑक्टल। आंसर साइड में लिखने की जरूरत नहीं नीचे बहुत जगह रहा ऑक्टल वन ऑक्टल टू हो गए। वन में सबसे पहले इधर का चारों देखिए ये चारों क्या हो जाएगा ऊपर से दो गो कॉमन दोनों में कॉमन में क्या ले लीजिए क्या लीजिए वाई एक होगी। अब इधर से ही चारों ये चारों में इधर से चारों ही कैंसिल ऊपर से दो गो ये दोनों क्या लिखिए इतना ही में पांच। कॉमन लेने का बस सिंपल तरीका जब कभी भी एक साइड वाला आ जाए समझ जाइए सारा कैंसिल चाहे वो एक साइड चारों रो है या चारों कॉलम है। एक दो गो लाइन में आठ गो घेरा लगा ये दोनों में मिला लीजिए दोनों कॉमन 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 वाई बार वाई बार जेड बार और जेड क्या हो गया कैंसिल तो एक का वाई बार आ गया और ये दोनों में कॉमन मिला लेना तो कॉमन में इधर से जेड यहाँ भी जेड तो कॉमन सिर्फ क्या रहा वाई बार और वाई क्या हो गया कैंसिल। तो आपको इस तरीका से प्रॉपर ढंग से बनाना है इसीलिए आपको हम बोले इस सब का आंसर बनाने के लिए पहले रफ का इस्तेमाल करिए। एक बार प्रयास करिएगा पहले कॉपी के पीछे में बना ले और बनाने के बाद फिर उसको आराम से उतारो सही तरीका से। तो एक बार जब पहली बार बनाते ना हो सकता कभी कल नंबर यहाँ वन छोड़ के यहाँ लिखा ले बाद में मिला देख रहे कि यार गलती वन लिखा ले तुरंत वहां काटना चालू हो जाता है तो उससे थोड़ा खराब के मैप गंदा लगने लगता है खराब लगता है उस समय नंबर कटने का चांस रहता। तो इसीलिए जितना कॉपी साफ नीट एंड क्लीन रखिए। आप लोग को नंबर उठाने के लिए हम टेक्निक समझाएं कभी भी आंसर जो भी बनाते अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो वहां जगह छोड़ने वाला काम मत करिए। नंबरिंग देख के पहले जो आ रहा है उसका नंबरिंग साफ साफ दीजिए। दो लाइन भले जगह ले सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा मत दो लाइन लिख दीजिए उस जगह के लिए क्वेश्चन के लिए। भाई आप आंसर है पूरा लिख दे रहे हैं बहुत बच्चा देखते हैं टेस्ट में यहाँ आधा लिखता है आधा नीचे लिख देता है ये क्वेश्चन का आंसर दो पन्ना बाद है सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग का अपना क्लियर कॉपी अभी जो टेस्ट देता है ना उस समय ऐसा लिख के रखता है किसका उदाहरण उधर दिया हुआ है। बहुत कोई पन्ना छोड़ने के चक्कर में एका दो पन्ना देखिए सबसे बड़ा दिक्कत एग्जाम में पन्ना छोड़िएगा नहीं एक चीज गलती मत करिएगा ये बहुत नॉर्मल चीज है लेकिन गलती हो जाता है जल्दी के चक्कर में। कभी आंसर पलट रहे हैं आंसर लिख रहे हैं जल्दी चक्कर में पन्ना पलटे एक दो पन्ना साथ ही पलटे बहुत बड़ा दिक्कत उस समय चाहे कटा पूरा कट जाता है। क्यों कट जाता है क्योंकि अगर एक दो पन्ना छूट गया ना एग्जामिनर जब जल्दी जल्दी कॉपी चेक करता है ना तो देखता है यहां तक लिखा बाद में देखता खाली बाद में भले आप कुछ लिख के रख दिए पता चलेगा सब खत्म बड़ा दिक्कत बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए सब कोई जब प्रयास करिएगा कॉपी में नंबरिंग लिखा रहता है बनाने के बाद बनाने से पहले
हर बार उसको मिला के जरूर देख लीजिए, बनाते जाते समय ही मिला के देख लीजिए कि पन्ना किसी का ना छूटना चाहिए, इस सब चीज में गलतियां ना होना चाहिए। आंसर ध्यान से बनाइएगा, ऊपर का जो जगह रहता है स्पेस वाला, नीचे की जगह रहता है जबरदस्ती, वहां लिखने की जरूरत नहीं, उस सब के लिए आप पन्ना पलट के लिखिए। आपको लगता है सर तीन लाइन है अट जाएगा, भाई बगल वाला पेज में लिख लो, का दिक्कत है, दो पन्ना दो लाइन छोड़ दो नीचे। चीजों को आप साफ नीट एंड क्लीन, जबरदस्ती कोई वर्ड को एडजस्ट करने का प्रयास मत करिए। आंसर शीट बहुत रहता है पन्ना, कंप्यूटर में कभी भी मैक्सिमम हम बोले कितना भी भरिएगा, अभी आप लोगों को देते हैं मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 पन्ना, 8 पन्ना तक खत्म हो जाता, 8 पन्ना नहीं पहुंच पाता, 28 को पन्ना देता है, कितनों भरिएगा, 14 पन्ना, 15 पन्ना, 16, 17 तक जाते जाते सोचना पड़ जाएगा कैसे पहुंचा। ऐसा आपके पास 3 घंटा समय बहुत ज्यादा है कंप्यूटर के, आप सबसे पहला आंसर में वो क्वेश्चन प्रयास करिएगा जो आप आसानी से बना दे रहे। जगह छोड़ने पे होता क्या है ना, बाद में आंसर नहीं लिख पाया तो अपने मर्जी से कुछ और जानना चालू कर देते, पता चलता जगह ज्यादा छोड़ दिया और उतना कुछ लिखा ही नहीं रहा, पता चल रहा है कॉपी में बीच में जगह छूटल है, फिर आगे लिखा हुआ, फिर छूटा हुआ है, फिर लिखा हुआ, वहां पे एग्जामिनर का चेक करने का तरीका बदल जाता है। प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन अभी जो आ रहा है सभी को लिखने के लिए जो आता है, ABCD तो लिखते ही है, ABCD जो रहता है क्योंकि OMR सीट तो है नहीं, तो जो भी लिखने वाला है उसमें अभी जिस तरह टेस्ट में आप लोग कॉलम दे रहे उस तरह नहीं दिया रहे, वो पूरा पूरा प्लेने पन्ना रहेगा। पहला का आंसर ABCD नहीं रहता, 1, 2, 3, 4 रहता, बहुत कोई वही समय कंफ्यूज हो जाता, इसलिए याद रखिएगा अवर वाला क्वेश्चन में याद कीजिए ABCD नहीं था, 1, 2, 3, 4 था। और हम बहुत बच्चा देख रहे पिछला क्लास वाला 1, 2, 3, 4 है, 3 को यहाँ लिख दे रहा है सी, सी आइए नहीं ऑप्शन, अब सी अपने स्काई बिठा दे रहे ABCD, भाई जो फॉर्मेट दिया है वही ना दीजिए। आपका पहला का आंसर 3 है तो पहला का आंसर क्या दीजिए 3, और आप चाहे तो बगल में नाम भी लिख दीजिए कितना देर लगता है, एक पेज में एक आंसर दीजिए, दूसरा लाइन एक छोड़ के दीजिए आराम से, दूसरा फिर तीसरा का फिर चौथा का सीक्वेंस, कोई दिक्कत नहीं है, पन्ना बहुत रहता है बोले कंप्यूटर। आप चीजों को साफ नीट एंड क्लीन अच्छे तरीका सजाने के लिए कॉपी में जब भी आता है कॉपी तो हमेशा रूलिंग एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, इधर वाला मार्जिन एरिया आपको लेना रहता है, मार्जिन एरिया थोड़ा कंजूसी वाला नहीं अच्छा से दीजिए, पूरा 1 स्केल या 1.5 स्केल कि इधर क्वेश्चन का नंबरिंग अच्छा से लिख सके। ये सब चीज जो भी आंसर बनाइए, चाहे तो अगर मान लीजिए रिटर्न आते हैं तो रिटर्न में आप ऊपर लिख दीजिए सेक्शन बी मेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऐसा भी लिख करके क्वेश्चन 1 से सॉल्व कर सकते। अगर ये नहीं देना तो डायरेक्ट 1 से लिख करके कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1, 1 वर्ड का आंसर, फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह आंसर लिखिए। डिफिनेशन वाला वर्ड, जब कोई डिफिनेशन का बारी आता है, जैसे मान लीजिए क्लास, इतना क्लास लिखे हेडिंग, डिफिनेशन देना इसके साइड से चालू करिए, यहां से लिखिए एक वर्ड द बाइंडिंग ऑफ, ऐसा लिख रहे द बाइंडिंग ऑफ, इसी के नीचे डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट,
इज नॉन एच प्लस। आप चाहे तो आंसर एक लाइन में एडजस्ट कर सकते, लेकिन एक दो तीन चार पांच लगना भी चाहिए एग्जामिनर को कि दो लाइन का डिफरेंशियल दो नंबर का डिफरेंशियल लिखा है। लिखे वही चीज है, बस तरीका बदल, डिफिनेशन थोड़ा नीट एंड क्लीन भी नजर आएगा, डिफिनेशन भी लुक लगेगा, ये वर्ड है इधर डिफिनेशन, पन्ना भी भरेगा और नंबर भी पूरा उठेगा। ये सब तरीका है नंबर उठाने का, चीजों को समझिए, क्योंकि डिफिनेशन कितना भी कोशिश करिएगा ना, एक एक नंबर वाला, तीन तीन नंबर वाला, बहुत वर्ड का डिफिनेशन दो से तीन लाइन में खत्म हो जाता है। कितना भर पाइएगा, क्या भरिएगा, अपने से कहां कुछ लिखिए, तो अपने से नहीं लिख पाइएगा तो तीन चीज को छह लाइन में बदला जाए। कैसे बदला जाए, पहला हेडिंग बदला जाए, हेडिंग को हेडिंग का नाम दिया जाए, इतना मार्जिन एरिया छुटले रहेगा, कॉलन का लाइन थोड़ा बढ़ा के दिया जाए, बता दे उसके बगल लिखा जाए, और जो भी आंसर है उसके नीचे से लिखा जाए। कम से कम सही ढंग से उर्वको बना के आंसर उठाइए भाई, किसी तरह हमको चाहिए थोड़ा बड़ा लिखना, डिफिनेशन उतने बड़ा कैसे बनाया जाए, लाइन में थोड़ा कम लिखा जाए, लाइन को बढ़ा दिया जाए, देखने से नजर आए कि दो लाइन का डिफिनेशन, समझ में आ रहा है। यही सब तरीका है। अब बहुत कोई कहा करता है अगर इसको हम एक लाइन में भी लिखना चाहे ना तो एक लाइन और उसके नीचे लाइन में डिफिनेशन खत्म हो जाए, कोई चेक करे अरे इतने लिखा, प्रॉब्लम ही देखिए माइंडिलिटी बदल, सोच को ही बदल दीजिए, तरीका डिफरेंशिएट में। जब भी कोई डिफिनेशन आता है, डिफिनेशन आता है, अब देखिए बाबू ये चीज अभी हम बोले इतना है, अब तुम बोलेगा इसमें सर दो दो लाइन का टाइपिंग छोड़ दे, जो आने वाला रहेगा वो खत्म हो, ये आपको समझ में होना चाहिए, वो आपको समझना है कि किस तरीका से देना है। ये सब तरीका है नंबर उठाने का और सही नंबर लाने का। लिखना वही है, बस खाली लिखने का ढंग को हमको बदल दे, समझ में आ रहा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में।